जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को पीबीआर स्टडी एप्लीकेशन साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। कैसे हो मुझे बता दो, सभी को फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो जो अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं। ठीक है, दो तीन दिन तो यूट्यूब पर ही चलेगी। चलो, ये लेक्चर नंबर 3 है, याद रखना सब कुछ, ये लाइव चल रही है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 8। हम लोग पिछली क्लासेस में सेंटेंस की बात कर ली थी, फॉर्मेट देख लिया था सेंटेंस की। लो फिर से लिख देते हैं। ठीक है, सेंटेंस की बात कर लिया था, लेकिन हमें बात करना था साथियों क्लॉज की। ठीक है, सेंटेंस में हम फॉर्मेट को देख लिए थे। कौन सा फॉर्मेट हम लोग देख रहे थे बता दो प्यारे साथियों, जल्दी बता दो कौन सा फॉर्मेट हम लोग देख रहे थे, कौन वाला फॉर्मेट हम लोग देख रहे थे जल्दी बताओ। हमने ये देखा था कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। फिर एक फॉर्मेट देखा था, सब्जेक्ट होता है साथियों, नहीं होता, एलिप्सिस हिडन फॉर्मेट में आता, सिर्फ वर्ब होता है। ये 3 केस मैंने हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। उसके बाद हम लोगों ने साथियों आपके सामने क्लॉज की बात कर लिया था। क्या चीज़ का साथियों? क्लॉज की बात किया था। क्लॉज में हमने बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब के मिलन को हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताए थे साथियों आपको, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताए थे और बोले थे आपको हम ये कि ये जो चीज़ें हैं आपको इसको सीखने से पहले, सेंटेंस सीखने से पहले आपको क्लॉज आना चाहिए। बताया था ना साथियों, मैंने पिछले क्लास में बताया था ना क्लॉज आना चाहिए। तो चलो क्लॉज के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आज सभी को इस सेशन को जो यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखो अभी भी जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए ना, प्लीज़ एप्लीकेशन पर जो बच्चे भी ज्वाइन नहीं किए उनको बताइए कोर्स के बारे में, और बारीकी एकदम सब्जेक्ट हर चीज़ सीख जाओगे। जो भी इंग्लिश में आपको डाउट्स होते हैं ना, हर वो पॉइंट सीख जाओगे भाई। देखो ये अभी 499 में मिलेंगे, अभी 499 है, बाद में फिर ये 999 यानी कि 999 हो जाएंगे। अभी इसका प्राइस है 999, फिलहाल अभी 449 में मिल रहे हैं। तो प्लीज़ जा करके ज्वाइन कर लो, कोई ज़्यादा फी नहीं है भाई। जितनी फी है ना उससे ज़्यादा की किताबें हम वहाँ पे फ्री में आपको दे देंगे। पीडीएफ बहुत सारे मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेंगे वहाँ पे सुविधा, पीडीएफ पीडीएफ जो भी कुछ आपको इंग्लिश से रिलेटेड होता है सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आपकी इंग्लिश ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड जो कुछ भी होता है ना सब मिलेंगे। तो बस आप लोग वहाँ बने रहना। क्या करना साथियों, आप लोग वहाँ पे वो चीज़ों पर क्या करना है, आपको बने रहना है। ठीक है, तो बने रहना साथियों। देखो कोई भाई, ये हमारे कोई गेस्ट हैं जो हमको देखना चाहते हैं, उन्हीं को दिखा रहे हैं। देखो तो करना क्या है, हम लोग सीखे क्या है साथियों, हम लोग सीखे क्या है पहले बात बताओ। हम लोगों ने ये सीखा, हम लोग पढ़े क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के मिलन को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की क्या चीज साथियों, मिलन को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ। हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के मिलन को क्या बोलते हैं बता दो। हमने ये सीखा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के मिलन को क्लॉज कहते हैं। किसको? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के मिलन को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के मिलन को, यार देख लो यार, समझ लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के मिलन को हम लोग क्लॉज कहते हैं। ये सबको पता है ना, ये चीज़ें सबको पता है ना, बताओ किस किस को नहीं पता है, मुझे बता दो जिस जिस को नहीं पता है भाई, सबको पता है ना। सभी को कमेंट कर दो, जो जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं ना वो सभी कमेंट कर दो जल्दी से, प्यार से जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। जो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं भाई वो सभी कमेंट कर दे यार, परेशान हो जाऊंगा यार। चलो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के मिलन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। कैसे पहचानो वो देखो, समझो सब्जेक्ट वर्ब कैसे बोला मैंने, सब्जेक्ट वर्ब में बोल कैसे रहा हूँ, किस आधार पर बोल रहा हूँ, ये भी आना चाहिए आपको। एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, वन क्लॉज। अगर दो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, प्लस दो वर्ब होगा, कितना हो जाएगा, दो क्लॉज हो जाएगा। अगर 50 सब्जेक्ट है साथियों, 50 सब्जेक्ट है, अगर मान लो यहाँ पे 50 सब्जेक्ट है, 50 सब्जेक्ट है और प्लस 50 वर्ब है, तब कितने क्लॉज हो जाएंगे, तो 50 क्लॉज हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को परेशानी है मेरे दोस्तों, मेरे भाई तो बता दो, किसी के यहाँ तक समस्या तो बताओ। एक एक सब्जेक्ट एक वर्ब वन क्लॉज, दो सब्जेक्ट दो वर्ब दो क्लॉज, 50 सब्जेक्ट 50 वर्ब तो 50 क्लॉज,
हजार सब्जेक्ट हजार वर्ब तो हजार क्लॉज, किसी की परेशानी तो बताओ, ये मिटा दूँ? समझ में आ रहा हो तो बताओ, फिर मिटा देता हूँ इसको। समझ में आ गया ना? चलो आ जाओ फिर, बहुत प्यारा प्यार सा आप लोग बताते रहना क्या चीज आपको आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है, ये हर एक पॉइंट मुझे बताना आप सब साथियों, क्योंकि आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा एक्चुअल में कि दिक्कतें आपको कहाँ पे हो रही है। चलो आ जाओ फिर, इसकी टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है? इसके टाइप्स को देखेंगे तब समझ में आएगा। देखो ये दो टाइप्स की होती है, मैंने कल बताया था आपको साथियों कि ये जो क्लॉज होते हैं ना, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक 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 कौन सा होता है मेन क्लॉज, एक होता है दूसरा आपका मान लो डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज एक होता है मेन क्लॉज, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। समझ रहे हो ना? किस किस को समझ में आ रहा है, किस किस को नहीं आ रहा है मुझे बताओ पहले। एक होता है मेन क्लॉज, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। मेन क्लॉज का मतलब ये होता है, जैसे घर में देखते हो कि दादाजी होते हैं ना, घर में आपके दादाजी होंगे ना, तो देखो दादाजी क्या होता है, घर के आपका मेन होते हैं, उनको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन आपके बाबूजी जो होते हैं, पापा होते हैं आपके, तो क्या करते हैं, किसी ना किसी से परमिशन लेते हैं। बताओ समझ में आ रहा है ना आप सभी को? भाई कमेंट शेयर करके बताते रहो भाई। तो जो मेन क्लॉज होता है उसको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है? जो मेन क्लॉज होता है उसको किसी से भी लेना देना नहीं होता है। और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो आश्रित होता है। जैसे देखिए अभी आप हैं तो बाबूजी जो आपको कमाते हैं पैसा के लिए, वो किसी आप पर डिपेंड है नहीं है, लेकिन आपको पैसा का काम होगा तो बाबूजी के सामने जाते हैं ना कि बाबूजी मुझे 5 रुपए दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं आप अपने पिताजी पर डिपेंडेंट है, उसी तरह डिपेंड है, ये खुद में अपने आप में राजा नहीं है, बट ऊपर वाला राजा है, अपने आप में स्वतंत्र है। तो मेन क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज, अब इसको समझ लेते हैं। टाइप्स देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, थोड़ा इसको नीचे कर दूं, देखिए दिखाई दे रहा होगा आप सभी को स्क्रीन पे कि जो हमारा देखो मेन का स्पेलिंग गलत है उसको सुधार लेना है। MAIN होगा ये वाला, होगा ना मेन, MAIN होगा, ठीक है? ये लिख लेना आपको। चलो दो टाइप्स का होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज, उसी को लोग मेन क्लॉज भी बोलता है, उसी को लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलता है। नीचे देखो सेकंड नंबर में आपका सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, क्या साथियों? सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। सब ऑर्डिनेटिंग कहने का मतलब हुआ जो आश्रित हो, सब ऑर्डिनेटिंग या डिपेंडेंट। डिपेंड का मतलब ही समझ जाओ ना, डिपेंड का अर्थ ही निकल जाता है, डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं वो चीजों पर आश्रित है, तो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। ये समझ में आ गया ना? टाइप्स हर एक चीज को नोट करना है साथियों कॉपी में। देखो शुरुआत में कुछ ऐसे टर्म होंगे जिससे आप बोरिंग फील करेंगे, आई नो वेरी वेल यू फील जस्ट लाइक बोरिंग, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए न्यू है। आप देखना जब कोई चीज नया काम करते हो ना तो आपको अटपटांग लगता है, ठीक है? तो बातों को याद रखना है। और एक क्लास आपके पता है ना यूट्यूब पर कितने बजे चलता है पता है आपको? शाम 5 बजे आकर के लाइव डेली 5 बजे चलता है, सभी को पता है ना? 5 PM से चलता है, शाम 5 बजे सभी को पता होना चाहिए, लाइव चलते रहता है, ठीक है? सभी को प्लीज ज्वाइन कीजिएगा वहां पे। चलो मेन क्लॉज क्या होता है, पहला जो हमारा यहाँ पार्ट, थोड़ा इसको हटाओ ना क्योंकि मेन क्लॉज समझना होगा। देखो मेन क्लॉज कह रहा है जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग हो, जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग हो वो मेन क्लॉज का था। अभी बताया ही मैंने ना, जैसे देखो शी आई रीड आई टीच यू, ये पूरा कंप्लीट है, अपने आप में इसका मीनिंग है, इसके पास ये कंप्लीट है अपने आप में। आई टीच यू तो क्या अपने आप में कंप्लीट मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, मेन क्लॉज बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो बताओ, इसको मेन क्लॉज बोलते हैं। जैसे देख लो मैं एक और लिख दूँ कि पहला सेंटेंस ये होगा, दूसरा सेंटेंस लिख लो, यू विल लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीख जाओगे। बस सीधी सी बात है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, यू विल लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीख जाओगे। तो मेन क्लॉज उसे बोलते हैं जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग हो, किसी पर आश्रित नहीं है, इसका अपने आप में मीनिंग निकल रहा है, इसके भी अपने आप में मीनिंग है, तो किसी चीज पर आश्रित ना हो, उसी को मेन क्लॉज बोलते हैं। चाहो तो आप उसे डिपेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज ही बोल सकते हो, ठीक है? समझ रहे हो? तो फटाफट इसे नोट डाउन करो, जल्दी से इसे उतार लो साथियों, हाँ जल्दी से इसे नोट कर लो, ये मिटा दो ना, ये कोई काम का नहीं है।
और देखो जो बच्चे ज्वाइन नहीं किया ना प्लीज उनसे बताओ, अभी देखो अभी कुछ नहीं है, इंग्लिश की जीरो पार्ट है ये, कुछ नहीं है इंग्लिश में, अभी अभी जीरो पार्ट सीख रहे हो तो, बट अभी से नहीं सीखोगे ना फिर बाद में नहीं सीख पाओगे। तो प्लीज सभी को बताओ इस कोर्स के बारे में, इस क्लास के बारे में, क्योंकि अभी आपको लगता होगा कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लॉज तो जानता हूँ सर, सब्जेक्ट तो जानता हूँ, बट जानने से कुछ नहीं होता है भाई साथियों, आपको इसके क्वेश्चन भी सोल्व करने आना चाहिए, मस्ट हैव टू नो व्हाट इज द, मतलब इसका जो फंडामेंटल होता है ना वो कैसे क्या होता है समझो। चलो आ जाओ, ये समझ में आ गया मैंने क्लॉज क्या होता है, सेकंड स्लाइड पे आ जाओ, सेकंड स्लाइड आपका लग गया स्क्रीन पे, जिसका जो है क्या है डिपेंडेंट क्लॉज, इसके कुछ एग्जांपल देखे वो फिर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा ये गारंटी ले लो, जब तक इसको बढ़िया तरीके से सीखने की कोशिश नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे। देखो डिपेंडेंट क्लॉज कैसे होते हैं, जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग ना हो, देखो आपके लिए जो हमारे पेड कोर्स के बच्चे हैं मैं उनको कहीं दिक्कत ना हो, कहीं कमी महसूस ना हो, किसी प्रकार के उनको ये फील ना हो सर मैंने पैसे पेमेंट किए हैं और मैं सीख नहीं पाऊँ, उनके लिए मैं हिंदी में भी लिखवा करके लाता हूँ, देखो स्क्रीन पर लगा है कि जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं हो ना हो, उसमें कुछ कमी महसूस हो, उसी को तो डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अरे कंप्लीट हम लोग थोड़ी ना है, हम लोग पापा पास है, आज मेरे पापा जी नहीं पूछेंगे तो मैं रोड पे आ जाऊंगा ना भाई, मेरी घर द्वार भी थोड़ी है ना अपनी थोड़ी है, वो तो बाबू जी की बनाए हुआ कुटिया है, तो उसमें जाके मैं रह जाता हूँ, अभी वो डिपेंडेंट हूँ, बट इन फ्यूचर जब मेरी सैलरी 40K 50K हो जाएगी तब मैं अपने आप पे हो जाऊंगा, इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी वो चीज़ हो जाएंगे तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और जो मेरे आने वाला फ्यूचर को जो जनरेशन होगा वो मेरे डिपेंडेंट हो जाएगा, अभी क्या हूँ मैं, अभी क्या हूँ डिपेंड हूँ पिताजी पे मैं, ठीक है, जैसे मेरी मम्मी क्या पिताजी पर डिपेंड है, वो हमेशा रहेगी क्योंकि उन्हें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। चलो तो डिपेंड कहने का मतलब ये है कि जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग ना हो। चलो इसका कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे एग्जांपल लिख दो कि इफ इफ यू डू दिस, जैसे मैंने लिखा इफ यू, नहीं दिखाई दे यार वो तो सब हट गया यार, नीचे लिखना पड़ेगा, आ जाओ नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना सबको, चलो इफ यू डू दिस, यदि इसे करते हो, यदि इसे करते हो तो मन में आएगा ना सर, तो क्या हो जाएगा मन में एक भौचाल सा मच रहा है ना, हमने बोला कि यदि तुम इसे करते हो तो मन में एक भौचाल सा आ जाएगा, क्या अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके मन में एक पैदा हो जाएगा सवाल क्या कि यदि सर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, बताइए मन में आएगा ना, आपका मन में आ जाएगा ना कि क्या होगा, तो मैं बोल दूंगा कि देन यू विल गॉट सम मनी, तब आप कुछ पैसा पाओगे, यदि तुम इसे करोगे तब आप कुछ पैसा पाओगे, तब ये कंप्लीट हो गया, तब ये सब क्या हो गया पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन जब मैं इतना ही सेंटेंस की बात किया था, जब मैं इतना ही का बात किया था, ये अपने आप में क्या था अनकम्प्लीट था, इसका कोई मतलब उतना नहीं निकल रहा था, डिटेल्स उतनी नहीं मिल रही थी, हमें उतनी जो मिलनी चाहिए थी, जो इसकी क्राइटेरिया थी वो हमें फुलफिल नहीं कर रहा था, समझ में आ रहा है तो बताओ यस, नहीं आ रहा था फिर इसके अलग तरीका बताऊंगा आपको, क्लॉज में ज्यादा कुछ नहीं है बट मुझे बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सेंटेंस आपको बताना है, क्योंकि मुझे आपको सेंटेंस सिखाना है तो आपको ये चीजें बताना पड़ रहा है मुझे, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है, क्लॉज कुछ होता ही नहीं भाई, बहुत आसान है। जैसे एक और एग्जाम्पल दे दूं क्या, देखो एक एग्जाम्पल लगा ही हुआ है कि इफ यू ज्वाइन माई क्लास, इफ यू ज्वाइन माई क्लास, तो आपके मन में आएगा ना कि यदि आप मेरे क्लास को ज्वाइन करोगे तो आपके मन में क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा ज्वाइन करेंगे तो मैं क्या बताऊंगा, इफ यू ज्वाइन माई क्लास देन यू लर्न इंग्लिश, तब आप अंग्रेजी सीख जाओगे, यदि आप मेरे क्लास ज्वाइन करोगे, जैसे ही मैंने इतना बोला तो आपको लगेगा, आप कहोगे ना कि तो क्या हो जाएगा, तो मैं फिर बताऊंगा ना उसका कंप्लीट करने के लिए, तब आप अंग्रेजी सीख जाओगे, तब वो कंप्लीट है, लेकिन इतना ही सेंटेंस है इफ यू ज्वाइन माई क्लास तब ये इनकम्प्लीट है, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज है, समझ में आ गया तो बता दो जल्दी से आगे इसको प्रोसीड किया जाए, और इधर जल्दी से नोट कर लो भाई, थोड़ा सा मैं वाटर ले लूँ, सर की थर्मस मेरी तो है नहीं, चलो होगी
नोट करना भाई। चलो कुछ सेंटेंसेस और देते हैं इसको आसान करने के लिए, और कुछ बता दूं ट्रिक डिपेंडेंट क्लॉज को आसान करने का ट्रिक बता दे, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज में हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। आई नो, मुझे पता है जहाँ तक डिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मोस्ट केसेस में बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए कुछ आसान ट्रिक बता दूँ? हाँ बताओ, वो भी लाया हूँ आपके लिए। देखो चलो, देखो जब भी कोई सेंटेंस क्या हो, मैंने क्या बोला, जब भी कोई सेंटेंस क्या हो, इफ व्हेन एज इफ एज दो इफ ओनली से जुड़ा हुआ हो, जब भी कोई सेंटेंस इफ व्हेन एज इफ एज दो इफ ओनली शब्दों से क्या हो, उसको सेंटेंस को बनाने के लिए शब्द की जरूरत पड़े या शब्दों से जुड़ा हुआ हो, तब वो सेंटेंस को आप समझ लो क्या है, क्या है तब वो बताओ, तब वो सेंटेंस क्या है, कैसा सेंटेंस कहलाएगा, तब वो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। जब भी किसी सेंटेंस में इफ व्हेन एज इफ एज दो इफ ओनली शब्दों की जरूरत पड़े, तब वो क्या कहलाएगा बताओ, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा ना। आसान कर दिया भाई आपके लिए, ये चीजें नोट करो, मैं लिखता तो टाइम लगता यार, लिखा हुआ ला दिया आपके लिए, मुझे लगा कि बच्चों को बता देना चाहिए। ठीक है, कमेंट करो यार, जो यूट्यूब पर देख रहे हो कमेंट करो, परसों से कमेंट नहीं करना, चार क्लासेस मिलेंगे फिर उसके बाद ऐप पे ही चलेंगे सारे चीजें, जब तक मिल रहे जब तक तो फायदा उठाओ भाई, डाल लिया, इसे लिखना है यूट्यूब वाला भाई तुम लिख लो, और ऐप वाले भी भाई देखो तभी सीख पाओगे, गारंटी तभी लेंगे हम जब आप इसकी नोट्स चेक करेंगे। कोई बच्चा कंप्लेन करेगा अगर सर आपने बोला था अंग्रेजी सीख जाएंगे, मैंने नहीं सीखा, तो मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, भाई नोट्स कहाँ है आपकी, नोट्स ही बनाना, पीडीएफ तो है ही, जैसे कहीं घूमने जा रहे हो तो पीडीएफ से पढ़ लो जैसे याद करना है, बट घर पे रहो जब तक तो कॉपी से पढ़ना पड़ेगा ना, कॉपी कहाँ है मेरा, कॉपी है, जैसे ये कॉपी है देखो, ये पेज है एक पेज, तो ऐसा आप बनाओ नोट्स, समझे। चलो हो गया, लिख लिया ना, आ जाओ अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे साथियों, सेंटेंस की तरफ, कहाँ पे साथियों, सेंटेंस की तरफ चलेंगे, और सेंटेंस में हम ये फॉर्मेट लगा हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा ना मैं किस लिए, सेंटेंस में वो चीज़ें नहीं लगा हुआ है तो दिक्कत नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हो, वाओ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, आई नो वेरी वेल भाई, तो कमेंट से सिर्फ काम नहीं चलेंगे ना। चलो बहुत खूब, अच्छे अच्छे बच्चे YouTube पर जुड़े हुए हैं, ये चीज़ें समझ में आ गई ना आपको, क्लॉज वाली बातें समझ में आ गई ना, तो क्लॉज की कुछ हमें एग्जांपल दे दो भाई, क्लॉज जिस चीज को समझ में आ गई हो मुझे क्या करो भाई, कुछ इसकी एग्जांपल दे दो, जिस जिसको समझ में आ गया वो मुझे एग्जांपल दे दो, ठीक है, कुछ कुछ हमें एग्जांपल दे दो जिससे हमें लगे कि आप समझ गए हो, ठीक है, जिससे हमको लगे कि आप समझ गए हो। बहुत 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 अच्छे अच्छे चलो देखो, पहली सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करें तो जो मेरा पहला होता है, सबसे पहले पहला होता है मेरा मेन क्लॉज, ये अभी सेंटेंस की या लास्ट, मतलब लास्ट चरण चल रहा है, अंतिमवा चरण चल रहा है, वो जो नेचर ऑफ सेंटेंस होते हैं ना, जब आप ट्रांसलेशन सीखोगे ना तो वहाँ पर मैं सिखा दूंगा, ठीक है, बट वो अभी जरूरत नहीं है उसकी, हमें जो जो जरूरत पड़ेगी वो चीज़ सीखेंगे हम लोग। पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस, मेन क्लॉज कह रहे थे यार, सिंपल सेंटेंस, पहला टाइप यही ना आपका सिंपल सेंटेंस, सबसे पहला टाइप जो आपका है इंग्लिश में, चलो सबसे पहले हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस को पढ़ना है, तो मुझे बताओ साथियों कमेंट करके सिंपल सेंटेंस होता क्या है, जल्दी से फटाफट बताओ साथियों, आप लोग बताओ सिंपल सेंटेंस, सिंपल का मतलब लिखा था साधारण वाक्य, साधारण वाक्य क्या होता है, बताओ साधारण वाक्य क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, सबकी कमेंट देख लो, बहुत खूब बताओ सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जल्दी बता दे मेरे भाई,
बताओ। चलो मैं बता रहा हूं। वैसा वाक्य जिसमें केवल एक मेन क्लॉज हो, एक मेन क्लॉज हो, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिसमें एक मेन क्लॉज उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसके पहले वाला भी बैच वाला बच्चे जानते होंगे। देखिए आसान डिफिनेशन है, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं होते, इसलिए ही बता देता हूँ। अदरवाइज डिफिनेशन लिखना चाहोगे सिंपल सेंटेंस का, बहुत टाइम लग जाएगा, उस तरह से नहीं पढ़ना ना। हमें कम टाइम में सटीक चीजें पढ़ लेना, क्योंकि हम इसीलिए क्लॉज पर आया ना। कैसे पहचानोगे आप बताओ, ये समझ में आ ना? वैसा वाक्य जिसमें केवल एक मेन क्लॉज हो, सिंपल सेंटेंस कहेंगे। सीधी सी बात है, कोई बच्चा भी याद कर लेगा कि वैसा वाक्य होना चाहिए जिसमें केवल एक मेन क्लॉज हो, उसी को हम लोग तो कहेंगे ना सिंपल सेंटेंस। बता दो। अब देखो एक मेन क्लॉज वाला एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल जैसे देख लो। आप लोग एग्जाम्पल कमेंट करो, जैसे मैं लिख रहा हूँ आई एम टीचिंग यू, हाँ आई एम टीचिंग यू, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, यू 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 आर लर्निंग लर्निंग देयर, तुम लोग वहां सीख रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, यू आर लर्निंग, तुम लोग सीख रहे हो, यू आर लर्निंग देयर, वहां तुम लोग सीख रहे हो, तुम लोग वहां सीख रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल और ले लो, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट, ये भी क्या है आपका, क्या है मेन क्लॉज, सॉरी ये भी क्या है आपका सिंपल सेंटेंस है। देखो मैंने आपने सीखा क्या था मेन क्लॉज के, इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब। अब आ जाओ, एक सब्जेक्ट था एक वर्ब था, एक सब्जेक्ट था एक वर्ब था। अब इसे भी वर्ब मत गिनना, इसे भी नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है। हमें वैसी वर्ब के देखो जहाँ पे मेन वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। आपने एक कहानी सुना ना, जब दादाजी घर में रह ले लू, बेटा का कोई वैल्यू नहीं होता है, जो छोटका चेलवा होता है तब उसका वैल्यू रहता है, बताओ ना। अरे भाई तुम्हारे घर में जब दादाजी हो ही, तू क्या वहां जाके बॉस बन ला, बॉस बन सकते हो दादाजी के सामने? नहीं। तो जब दादाजी हलही है, जब यहाँ इसका बड़का भाई हलही है, तो छोटका की यहाँ पकड़ पकड़ करने की जरूरत है? नहीं। जब बड़का नहीं रहेगा तब ना छोटका बड़का बनेगा, तो वह बात है। जब यहाँ बड़का था तो छोटका चुपचाप था, तो काउंट नहीं होगा। देखो यहाँ पे एगो सब्जेक्ट था, यहाँ भी एगो वर्ब था, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। हमने मेन क्लॉज क्या सिखाया था, जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब वन क्लॉज। और मैं जो जो यहाँ पे मेन क्लॉज किसे बोलते थे, जो स्वतंत्र हो, जिसका कंप्लीट मीनिंग हो, जिसमें एक सब्जेक्ट एक क्लॉज हो, उसे हम क्या बोलते हैं मेन क्लॉज। ये एक सब्जेक्ट ये था, इसमें कंप्लीट मीनिंग भी था, यही क्या कहता सिंपल सेंटेंस कहलाता। सिंपल सेंटेंस उसे बोलते हैं जिसमें एक मेन क्लॉज हो, मेन क्लॉज का मतलब जिसका कंप्लीट मीनिंग हो, उसी को हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। किसी को आपत्ति दिक्कत तो बता दो मुझे, किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई, नहीं ना है? समझ गए ना, समझ में आया ना? ये बाकी वर्ड्स में नहीं मतलब है, क्या है क्या नहीं है, जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब क्लॉज है और जिसका कंप्लीट मीनिंग हो, जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग हो। इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, ये स्टूडेंट वह स्टूडेंट है, वह विद्यार्थी है, यू आर लर्निंग देयर, तुम वहाँ सीख रहे हो, कंप्लीट मीनिंग है, इसमें कुछ बच नहीं रहा है। अगर मैं यही कहता कि इफ यू लर्निंग देयर, यदि तुम वहाँ सीखते, इफ यू गो देयर, ऐसे मैं बोलता, अगर मैं ऐसे बोलता कि इफ यू गो देयर, मैं ऐसे बोलता तब यहाँ पे आपका मन में क्या होता है, ये क्वेश्चन उठता है कि इफ यू गो देयर, यदि तुम वहाँ जाते तो आपका मन होता ना, हाँ जाते तो क्या होता, बाद में क्वेश्चन ही उठता, तो वो हो जाता डिपेंडेंट क्लॉज। बट यहाँ पे कह रहा है कि एक मेन क्लॉज होना चाहिए, जिसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसी को हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बोल सकते हैं कि जो मेन क्लॉज ही होता है वह सिंपल सेंटेंस ही रहता है। ये बात समझ में आ रही है ना? इसका और भी एग्जाम्पल दे दूँ तो बताओ, इसका और भी एग्जाम्पल चाहिए तो बताओ, नहीं तो फिर इतना ही काम हो गया तो बताओ।
सिंपल सेंटेंस कहीं ना कहीं ये अपने आप में रिप्रेजेंट करा है कि मेन क्लॉज ही है, क्योंकि मेन क्लॉज में भी क्या था भाई, सीधी सी बात है, ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक मेन क्लॉज हो। अब एक मेन क्लॉज है तो मेन ही क्लॉज तो कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस बोल दो या मेन क्लॉज बोल दो। अब बताओ जिसको मैं, जिसको क्लॉज ही नहीं पता होगा, जिस भाई को, जो मेरे प्यारे दोस्त होंगे जिन्हें क्लॉज ही नहीं पता होगा, जरा बताओ कैसे समझ पाएंगे। तो साथियों एक एक चीज़ों को बारीकी से समझना होगा, बिना समझे काम नहीं चलेगा ना। अब ऐसा थोड़ी ना, बच्चे थोड़ी रह गए हो, एक साल के बच्चे हो, अरे सर नहीं बनेंगे ऑप्शन मार देंगे, तो देखो ऑप्शन मारने से काम नहीं चलेगा। नोट करो, जल्दी से लिखो भाई। लिख लिया, जल्दी लिखो, तब तक मैं वाटर ले लेता हूँ, ठीक है? तो फिर वाटर पीना चाहिए, नहीं तो गला सूख जाएंगे ना। तभी तो जोश और जुनून के साथ पढ़ाता हूँ ना आपको, अदरवाइज जोश ही खत्म हो जाएंगे। जोश जुनून, जोश एप्लीकेशन चलाते हो ना, जोश एप्लीकेशन नहीं चलाता शॉर्ट वीडियो देखने के लिए? भाई ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हो जो नहीं चलाता भाई, सब देखते होंगे भाई जोश एप्लीकेशन पे। चलो ये हो गया, बताओ हो गया तो हो गया तो बता दो मुझे प्यारे दोस्त, किस किसने उतारा, किस किसने नहीं लिखा, किसने किसने लिखा है, किस किसने नहीं लिखा, मुझे बताओ। क्या नहीं लिख पाए भाई, लिख लिए हो तुम तो, मजाक कर रहे हो, मजा ले रहे हो। चलो सेकंड पॉइंट को चलते हैं, ठीक है? इसके बाद ट्रिक व्रिक भी सिखा देंगे, इसके बहुत सारे ट्रिक है याद करने के लिए। चलो ये समझ में आ गया है ना भाई, बताओ समझ में आ गया है ना। चलो इसमें कुछ नहीं था कि ट्रिक व्रिक बनाते, मेन क्लॉज के सिंपल सेंटेंस के लिए कोई थोड़ी ना कुछ है, बस सीधी से बात है, जिसकी कंप्लीट मीनिंग हो तो वो मेन क्लॉज है, और मेन क्लॉज बस कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, इसमें कोई और चीज़ नहीं होना चाहिए। जिसमें एक क्लॉज हो, एक ही क्लॉज होना चाहिए, वही आपका सिंपल सेंटेंस होता है। अब कंपाउंड दूसरा आता है हमारे साथियों, क्या कंपाउंड दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारा, दूसरा आता है साथियों हमारा कंपाउंड सेंटेंस। थोड़ा राइटिंग पे दिक्कत होगी तो सॉरी, राइटिंग थोड़ा बैठ जाएंगे धीरे धीरे सीखते सीखते सीखते। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड से ये पता चल रहा है मिस, किसी चीज का मिश्रण होना चाहिए, कंपाउंड नहीं नहीं मिश्रण नहीं कॉम्प्लेक्स मतलब कंपाउंड। ये पढ़े ना यौगिक वाला चैप्टर है एक साइंस में, कंपाउंड वाला कुछ ऐसा है ना कोई पढ़ने के लिए, जिसमें बहुत सारे चीज़ों में लिया जाता है, इंटीग्रेंट्स मिला जाता है, एक दो अलग अलग प्रकार का अलग अलग प्रकार के इंटीग्रेंट्स मिला करके फिर एक चीज़ बनाया जाता है, पढ़े हो ना कंपाउंड। चलो कुछ भी हो, देखो कंपाउंड सेंटेंस में कुछ नहीं होता है, ये लिख सकते हो कि वैसा वाक्य जिसमें केवल दो मेन क्लॉज वैसा वाक्य जिसमें दो मेन क्लॉज हो उसी को दो क्लॉज हो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, जिस वैसा वाक्य जिसमें दो मेन क्लॉज हो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। भाई आपके लिए लिख भी दे रहा हूँ, पिछली क्लासेस जब थी विदाउट एप्लीकेशन पर नहीं थी, वो यूट्यूब पे थी, जब बच्चे तंग कर देते थे, लेकिन आप सब बहुत अच्छे हो, तंग नहीं करते हो, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हैं आपकी बार जो एप्लीकेशन पे, उनको लिए मैं बारीकी से लिखता हूँ ताकि उनकी कहीं ये मन में ना रहे कि सर आप तो पैसा ले लिए तो बढ़िया तरीके से बता नहीं रहे। देखो बार बार पैसा का नाम इसलिए ले रहा हूँ ना क्योंकि साथियों आपको याद रहना चाहिए, ये मायने में आना चाहिए कि हाँ मैंने पे किया है, मुझे प्यार से मुझे पढ़ना होगा, क्योंकि पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है, आई नो पैसे की क्या किल्लत होती है, मैं जानता हूँ ना, मुझे पता अच्छी तरीके से, जब बर्बाद हो गए ना पैसे वैसे की वजह से तब पता चलेंगे, तो पैसे की क्या महत्व है मैं जान सकता हूँ। बट हाँ
खर्ची करना रुकना नहीं है, बट उससे ज्यादा कमाने का ये तरीका मतलब पता होना चाहिए। मैंने बताया कि वो वैसा वाक्य जिसमें केवल दो मेन क्लॉज हो, दो मेन क्लॉज हो, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। बताओ, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल में ले लो, आई एम प्लेइंग हियर, बट एंड यू यू आर, आई एम प्लेइंग हियर एंड यू आर प्लेइंग हियर। देखो मैं यहाँ खेल रहा हूँ और तुम गा रहे हो, आई एम प्लेइंग हेयर। देखो आई एम प्लेइंग हेयर क्या हो गया, एक मेन क्लॉज हुआ, एम सी मेन क्लॉज। यू आर सिंगिंग, तुम गा रहे हो, ये भी एक क्या हो गया, एक मेन क्लॉज है। यानी कि यहाँ भी एक मेन क्लॉज, यहाँ भी एक मेन क्लॉज, कितने हो गए, 1+1। मैथ किस किस को आता है, किस किस को नहीं आता है भाई, जोर घटाना चाहिए तभी समझ सकते हो ना। देखो तो 1+1 कितने हो गए, दो। यहाँ पे दो मेन क्लॉज हो गए ना, 1 MC था, यहाँ भी MC था, तो 2 MC हो गए ना, 2 MC हो गए ना। तो दो मेन क्लॉज हो उसी को तो कंपाउंड कहते हैं। बताओ किस किस को परेशानी हो रही है, तो बताओ मुझे साथ में, किसी को परेशानी हो जरूर बताना है, अपने डाउट को नहीं छिपाना है। डाउट छिपाओगे फिर अपने आप पछताओगे, छिपाना नहीं है। अगर मैथ नहीं आता तो जो जीरो लेवल मैथ से उसे जाकर ज्वाइन जरूर करना, ठीक है, मैथ्स बिल्कुल सीख जाओगे। हाँ, यहाँ बात करते साथियों कि एक मेन क्लॉज यहाँ पे, एक मेन क्लॉज यहाँ पे, दो मेन क्लॉज जिसमें हो, वैसा वाक्य जिसमें दो मेन क्लॉज हो, उसी को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और भी एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देखते चलो, डाउट्स क्लियर करते चलो। आ जाओ, एग्जाम्पल ही आपको सारी चीज कवर करते हैं। जैसे आप मैथ का सवाल पढ़ते हो ना, तो मैथ में तो रूल तो होता ही, a+b का होल स्क्वायर, आप बोलो b² चाहे a² + 2ab बोल दो, ए बी टू बोलो चाहे 2ab बोलो, किधर से बोलो बात एक ही है। लेकिन जब तक उसका क्वेश्चन, उस पे आधार पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको वो आएगा ही नहीं। उसी तरह ये होता है यहाँ पे आपका, जब तक एग्जाम्पल इंग्लिश में नहीं सॉल्व करोगे ना, एग्जाम्पल से नहीं समझोगे, तब तक रट के कुछ नहीं होता है। उसी तरह जैसे मैथ में क्वेश्चन लगाते हो ना, उसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा जाता है। एग्जाम्पल का मतलब ही होता है क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में, ठीक है, फिर बातों को गौर करना। चलो जैसे एक और एग्जाम्पल देख लो, मैंने लिख दिया सीता, सीता प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट बट राम राम बट राम प्लेज फुटबॉल। सीता क्रिकेट खेल रही है बट राम फुटबॉल खेल रहा है, सॉरी सॉरी, सीता क्रिकेट खेलती है बट, यानी किंतु राम फुटबॉल खेलता है, क्योंकि प्लेज लगा हुआ प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है। चलो मिस्टेक हो गया, वो मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, पढ़ने में। तो सीता क्या है, सीता से प्लेज क्रिकेट क्या है, एक मेन क्लॉज है। क्या है आप साथियों, यहाँ पे एक मेन क्लॉज है। राम से लेकर के प्ले फुटबॉल तक ये एक मेन क्लॉज है। तो 1 MC + 1 MC = 2 MC हुआ ना, और हमें तो यही तो चाहिए था, 2 MC जहाँ पर दो मेन क्लॉज हो, उसी को तो हम लोग वो बोलते हैं ना कंपाउंड सेंटेंस। समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो फिर बात ही अलग है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ समझा ही सकता हूँ। तो बच्चे तो नहीं नो कि मैं ऐसा बोतल लूंगा, देखो सामने बोतल है, मैंने इसे हिलाया ऐसे और कहूंगा लो बाबू पी लो, ऐसा तो है नहीं ना। आपको समझना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ना आपको। तो साथियों बहुत प्यार से बताया, इतने जोर घटा करके कोई नहीं बताएगा, समझ रहे हो ना। अब तो सामने हो नहीं कि तुम्हें बार बार एक ही चीज समझाया जाए, तो नहीं समझ में वीडियो को 2 बार 3 बार देखना है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इतना मैं जानता हूँ। अगर अभी भी नहीं आएगा तो फिर बात ही अलग है, अभी भी नहीं आया ना, चलो अभी और तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं समझाने का, 2-3 तरीका और समझ लो फिर आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, डिफिनेशन से समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ। देखो डिफिनेशन समझ में नहीं आ रहा ना, तो देखो यहाँ पर समझो, मेरी बात तो सुनो, दो गो जो समान है, ठीक है, दो गो ऐसा मेन क्लॉज लेना है, दो ऐसा मेन क्लॉज लेना है, यानी कि दो गो ऐसा क्लॉज लो जिसका अपना अपना, इसका भी कंप्लीट मीनिंग हो, ये भी कंप्लीट। देखो कंप्लीट का मतलब क्या है,
ऐसे है कि अक्षर है, जब इस पर कैप लगा दिए ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट है, और दोनों को जोड़ करके एक हम नया चीज बना देंगे। क्या बना देंगे? नया चीज बना देंगे, उसी को कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कंपाउंड कहते हैं। आपने एक वीडियो और भी नहीं समझ में आ रहा, एक वीडियो जाकर यूट्यूब पर देख लेना है, जिसमें हम सेंटेंस पढ़ाए थे, उसमें चाय सिकंजी वाला भी बताए थे। चाय सिकंजी वाला किसने किसने सीखा था बताओ? चाय वाला किसने किसने सीखा था, किस किसने नहीं सीखा था मुझे बता दो। हाँ फिर से कहो तो बता दूंगा चाय वाला ट्रिक। अरे मतलब ये है कि दो ऐसा पार्ट्स लो जिसको मिलाने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे मैं यहाँ लिखा था सेंटेंस देखता लिखता हूँ, क्या लिख लूँ, किनका नाम ले लूँ? चलिए मेरा टीम का एक दीपक जी है, तो दीपक इज डूइंग क्या लिख सकते हैं, क्या करते हैं? चलो दीपक इज डूइंग बट शशि इज वीपिंग। चलो ये लाफिंग कर दो, लाफिंग करोगे थोड़ा अच्छा मतलब निकलेगा इसका। दीपक इज लाफिंग, देखो दीपक हंस रहा है, दीपक इज लाफिंग बट शशि इज वीपिंग। दीपक हंस रहा है, शशि रो रहा है, लेकिन शशि रो रहा है। देखो यहाँ पे कोई मतलब चेंज हुआ? ये भी एक अलग था फॉर्मेट, ये अपने आप में एक अलग है, लेकिन दोनों का मतलब एक निकल रहा है भाई। दीपक इज लाफिंग वो अलग काम कर रहा है, हंसने का काम कर रहा है, मैं रोने का काम कर रहा, लेकिन फिर दोनों को जब जोड़ दिए एक अपने आप में कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। यानी कि नहीं समझते हो यार, क्या बताऊं तुम्हें, कैसे बताऊं? वो देखो ना मशीन, उसमें जब वायर बनाया जाता है, वायर देखो ना, वायर मेरे पास है, ये रहे देखो माइक्रो वायर दिखाई दे रहा है। जब इस वायर को बनाया गया होगा, इसके अंदर क्या क्या पीवीसी क्या क्या मिलाया गया होगा, लेकिन जो इसका आउटपुट होगा, जो इसका आउटपुट बन के आया होगा वायर, एकदम सबके लिए बराबर, एकदम एक अपने आप में यूनिक वे में आया होगा। लेकिन इनपुट में क्या क्या डाला गया होगा? इनपुट में बहुत सारे ग्रेडियंट्स मिला करके एक नया फॉर्मेट दे दिया गया होगा। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, वैसा वाक्य होना चाहिए जिसमें दो का मेन क्लॉज हो। हमको मेन क्लॉज से ही मतलब नहीं है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, कुछ भी उससे मतलब नहीं है। जो इसका मतलब आना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, जो इसका मतलब आना चाहिए प्रॉपर वे में आना चाहिए, उसी को कंपाउंड कहते हैं। ये बात आ गई ना? फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो एक ले लो, जिसे बोलते हैं लक्ष्मण बाण, तो नहीं राम बाण बोल सकते, लक्ष्मण जी तो सीता जी को, वो छोड़े बातें, कोई भी बातें थी, मतलब एक देसी तड़का बोल सकते हो। आ जाओ इसे क्या बोल सकते हो साथियों? देसी तड़का, देसी तड़का समझते हो ना? देसी जुगाड़, देसी जुगाड़ जान लो, देसी जुगाड़ यानी कि लिख लो पीवीआर का, पीवीआर तड़का, तड़का मतलब वो नहीं, सब्जी वाला तड़का नहीं समझ लेना, ठीक है? चलो एफ ए एन बी ओ वाई एस, जब कोई वर्ड जब कोई सेंटेंस एफ एन फैन बी ओ वाई एस, जब भी कोई सेंटेंस इन वर्ड से, एफ ए एन बी ओ वाई एस, एफ मतलब फॉर, ए मतलब एंड, एंड मतलब नॉर, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब येट, एस मतलब सो, जब कोई सेंटेंस, इफ एनी सेंटेंस कनेक्ट विद दिज वर्ड, जब कोई भी सेंटेंस ये वर्ड से क्या करे जुड़ जाए, तब आंख मूंद करके ये समझ लेना कि वो कंपाउंड है। ये एक तड़का है, देसी तड़का बोल सकते हो ना, ये तड़का लगा देना, कभी भी कंपाउंड सेंटेंस में आपको इन फ्यूचर कभी भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक मुझे पता है, ठीक है? ये लगा लेना, देखो एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखोगे समझ में आएगा, ठीक है? जैसे ले लो, जैसे ले लो I eat a mango and Sita eats bread.
अब यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा देना भोजन के साथ, भोजन का जो नाम होता है उसके ऊपर आर्टिकल नहीं लगता। बाय द वे यानी मटेरियल नाम, मटेरियल नाम से आर्टिकल नहीं लगता, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा देना, ठीक है। मैं आम खा रहा, मैं आम खाता हूँ लेकिन, सॉरी एंड मतलब और, सीता रोटी खाती है। ए एंड डी देखो तो यहाँ पे फैन बॉयज में कहीं दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे है। अरे भाई फैन बॉय जैसे होता है, देख एफ ए एन बी ओ वाई एस, यही तो याद कर लो, बस ये याद कर लोगे कंपाउंड सेंटेंस चुटकियों में सोल्व होंगे। कंपाउंड सेंटेंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना चुटकियों में सोल्व करोगे, याद रखना है। बस फैन बॉयज याद कर लो, कुछ नहीं याद करना भाई, तुम्हें कौन कर रहा 50 आ रहे, ये सब डिफिनेशन भी भूल जा। देखो ये तो लिखना ही है, भूलो मत, मतलब एक बात बता रहा हूँ, मतलब देखो आपको हर एक तरीका आना चाहिए टाइम बचाने के लिए, इसे याद करो। फैन वाइज आपको क्या करेगा, टाइम को कंज्यूम होने से मतलब टाइम बचा सकते हैं आपको फैन वाइज, ये वाला। तो ये चीज़ें आप नोट कर लो, एफ मतलब फॉर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉर, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब येट, सो मतलब इसलिए। ये जब वर्ड लगे हों किसी सेंटेंस में तो वो कंपाउंडिंग होता है। ये वर्ड से पता है ना क्या होना चाहिए, ये लगे ही नहीं होना चाहिए, इससे दो सेंटेंस जुड़ा होना चाहिए। देखो जब दो सेंटेंस इनसे क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए फैन वाइज से, बीच में फैन वाइज होना चाहिए, बीच में फैन वाइज होना चाहिए। एक इधर सेंटेंस एक इधर सेंटेंस, और बीच में फैन वाइज में से कोई भी वर्ड आ जाए तब उसे ही कंपाउंड कहेंगे, ऐसे ही नहीं कंपाउंड कह देंगे, समझ गए ना। अब सिंस फॉर वाला बच्चे दिमाग नहीं लगा ना, जो टेंथ में पढ़ते हो ना सिंस फॉर, वहाँ पे कंपाउंड मत कर देना, वो टाइमिंग के लिए फॉर आए हुए होते हो, ठीक है। वहां पे दो सेंटेंस होना चाहिए, वो एक ही सेंटेंस रहता है, वहां पे एक ही क्लॉज रहता है। सेंटेंस कहने का मतलब साथियों एक ही क्लॉज रहता है वो यार, वहां पे एक ही क्लॉज रहता है, तो वहां पे दिमाग मत लगा देना, क्योंकि तुम लोग बहुत होता है शैतानी मतलब समझ लो ना कैसे कैसे दिमाग लगाते हो, मुझे पता है कहाँ कहाँ लगा सकते हो, क्योंकि उस दौर से मैं गुजर चुका हूँ 2 साल 1 साल पहले। चलो ये चीज़ें समझ में आ गई ना, फैन बॉयज वाला, इसके आगे बढ़े, बताओ जल्दी। टाइमिंग की भी साथी हम लोग की पाबंदी होती है, जल्दी बताओ। चलो एक और बच्चा है उसे भी जल्दी से पढ़ने के प्रयास करते हैं। ये तारका याद रखना, तारका याद रहेगा तो काम देगा, नहीं तो फिर पछताओगे। वो गाना सुने हो ना, बहुत पछताओगे, तो वैसा नहीं करना आपको, नहीं तो फिर। चलो इसी में मैं सुधार कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी अपनी मतलब टाइमिंग बचाने के लिए और इंक बचाने के लिए कर दे रहा हूँ क्या, यहाँ पे मैं कर दूंगा, सिंपल सी बातें हैं, मैं कर दूंगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। तीसरा कर दूंगा क्या, मेरा हो जाएगा यहाँ पे तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, तो यहाँ तक मुझे मिटाना पड़ेगा। चलो कौन है भाई, देखो वैसा वाक्य जिसमें एक मेन क्लॉज हो एंड और एक डिपेंडेंट, यहाँ दिखाई दे रहा ना डिपेंडेंट क्लॉज हो, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि वैसा वाक्य होना चाहिए जिसमें एक मेन क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, उसी को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल कर दिया, पहले तो आसान था, सिंपल कितना आसान था, आराम से काम उसमें निकल गया। कहते हैं ना कि सिंपल लाइफ बहुत आसानी से, कहते हैं ना कि सिंपल लाइफ एंड आई थिंक जो महात्मा गांधी का था कोटेशन, तो सिंपल लाइफ तो बहुत आसान होता जी सकते हो, कंपाउंड में भी आसान होता जब आप मियाँ बीवी रहते हो, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स हो जाते हो ना, जब अपनी मम्मी को भी देखो, दादी को भी देखो, वाइफ को भी देखो, बच्चे को भी देखो, तो आप कॉम्प्लेक्स हो जाते हो, आपकी जो लाइफ होती है जटिल हो जाती है, समझ रहे हो ना। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जटिल होता है भाई, इधर वालों को भी देखना पड़ता है, मेन क्लॉज को भी देखना पड़ता है बेचारे को, और इस डिपेंडेंट क्लॉज को भी देखना पड़ता है, करे तो क्या करे बेचारा, फंस जाता है कॉम्प्लेक्स वाला। देखो ये कह रहा है ना यहाँ पे कि वैसा वाक्य होना चाहिए ना जिसमें एक मेन क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, अरे यार लो ऐसे लिख ले, एक मेन
प्लस एक डिपेंडेंट इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। अरे यार मैथ आता हुआ तो तुम आसानी से कर सकते हो। देखो ये भी डाल दो, देखो ना वो गेहूं दावने वाला घर थी, चाहे आटा चक्की, देखियो ना आटा चक्की में ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, और डाल करके एक जो नया देखो गेहूँ पिसवाते हो ना, अरे सतुआ कौन कौन पिसाने जाता है, देखते हो सतुआ में चनवा डाल देता है सब, फिर मकईवा डाल देता है सब, पता नहीं क्या क्या, और डाल करके एगो नया तैयार कर लेता है। तो एगो मेन क्लोज डाल दो, एगो डिपेंडेंट डाल दो, और डाल करके एगो उसमें से जो बन के आएगा, जो बन के आता है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मैथ आता तो ये आ जाएगा, ठीक है चलो। तो मेन क्लोज डिपेंडेंट क्लोज को मिला दोगे एक एक, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ में आ गया। इसकी एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैं लिख देता हूँ वही वाला एग्जाम्पल जो शुरू में बताया था। यू विल लर्न, यू विल लर्न मैथ, मैथ यू विल लर्न मैथ इफ यू ज्वाइन ज्वाइन जीरो लेवल मैथ, जीरो लेवल मैथ बैच। तुम मैथ सीख जाओगे, यू विल लर्न मैथ, मैथ सीख जाओगे इफ यू ज्वाइन जीरो लेवल मैथ बैच, अगर आप जीरो लेवल जो मैथ बैच है उसे ज्वाइन करते हो तो हाँ आप भी मैथ सीख जाओगे। जीरो लेवल जो मैथ बैच है हमारा, जो एप्लीकेशन पर जाओगे अगर ज्वाइन करोगे तो मैथ सीख जाओगे। यू विल लर्न लर्न मैथ, आप मैथ सीख जाओगे इफ यू ज्वाइन मैथ बैच या जीरो लेवल मैथ बैच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, यू विल लर्न मैथ, यहाँ तक क्या था, एक मेन क्लॉज था, तुम मैथ सीख जाओगे, कोई मतलब ही नहीं था, ये एक मेन क्लॉज था। लेकिन जैसे लिखा मैंने क्या, इफ यू ज्वाइन जीरो लेवल मैथ, मैंने कहा कि इफ यू ज्वाइन जीरो लेवल मैथ, तो आपको दिमाग में आया ना कि हाँ ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ये सूत्र काम किया ना कि पहले का बार में एक मेन क्लॉज था, फिर एक डिपेंडेंट क्लॉज था, और दोनों को जोड़ दिए, जो नया बन गया वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। बाबू अब नहीं समझ में आएगा ना तो फिर कभी नहीं आएगा। अरे भाई इफ यू देखो यहाँ से यहाँ तक जो था ये मेन क्लॉज था, जहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, अरे भाई इफ यू ज्वाइन जीरो लेवल मैथ बैच ये क्या है, एक क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। जैसे हम बोलूँगा इफ यू ज्वाइन, इफ यू डाउनलोड पीवीआर स्टडी ऐप, जैसे देखो एक और एग्जाम्पल देख लो, एक और एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा ना भाई, आएगा नहीं तो क्या होगा क्या, मैं एक ही बात जानता हूँ, सब आएगा, बस सब्र रखो ना भाई, सब्र रखोगे सब कुछ आएगा। जैसे देखो मैंने एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे इफ सॉरी यू यू विल बिकम गुड स्पीकर, गुड इंग्लिश स्पीकर, ठीक है, स्पीकर मतलब साउंड बॉक्स में स्पीकर नहीं समझ लेना, ठीक है। यू विल बिकम गुड इंग्लिश स्पीकर when you download ठीक है, download PVR study app, ठीक है। मैंने जैसे बोला अगर आप PVR study app download करोगे, तो जब आप PVR study download करोगे तो आपके मन में आएगा क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा कि आप अच्छे इंग्लिश के बोलने वाले बन जाएंगे, ठीक है। यू विल बिकम ए गुड इंग्लिश स्पीकर, आप एक अच्छा अंग्रेजी बोलने वाला स्पीकर बन जाएंगे, कैसे, जब आप पी बी आर स्टडी ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो इस तरीके से क्या था आपका, यू विल बिकम गुड इंग्लिश स्पीकर, ये क्या था, एक मेन क्लॉज था, एक मेन क्लॉज था, लेकिन जैसे मैंने वेल लगा दिया फिर सेंटेंस एक और बन गया, ये क्या था, डिपेंडेंट क्लॉज था। और मैंने अभी बताया है आपको, एक रूल बताया है जहाँ पे एक मेन क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज और दोनों को जोड़ दोगे तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा, तो लाइक शेयर ठोक कर दबाना, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं जो एप्लीकेशन पर देख रहे हैं। भाई सेंटेंस का दायरा हम लोगों का यहीं पर ख़त्म होता है, अब इसके बाद हम लोग रैपिड मोड की ओर बढ़ेंगे। रैपिड मोड मतलब अपने लेवल को बढ़ाएंगे अब, क्योंकि छोटे लेवल पर काम नहीं चलेगा, ये तो अभी कुछ नहीं था भाई, ये तो चुंदी मतलब
बहुआ का खेल था अभी अभी कुछ नहीं है, इंग्लिश के दायरे में तो अभी आए हो नहीं। अभी हम लोग अभी मोड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर और बढ़ाएंगे, रैपिड मोड में जब जाएंगे ना, रैपिड मोड में वही आ सकते हैं रैपिड मोड के दायरे में जो इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी ग्रामर के दुनिया में वो रखते होंगे, ठीक है। तो वही रैपिड मोड में अच्छी तरीके से कर पाएंगे, तो बेसिक आना चाहिए। इसके बाद अभी देखो सब्जेक्ट सिखाना है आपको, ऑब्जेक्ट सिखाना है, भाग को सिखाना है, कैसे भाग को पहचानोगे, कौन सा वी वन होता है, कौन सा वी टू होता है, तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है जो बताना होगा आपको। अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है ना, आप ज़रा ही मत घबराओ। जो इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, फर्स्ट बैच है, जा करके ज्वाइन कर लो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। 499 रुपये फीस है, ज़्यादा नहीं है, किसी के घर की पिताजी की कमाई की एक या डेढ़ दिन की कमाई होती है, दो दिन की भी नहीं होती है, कोई भी मैक्सिमम आजकल 400 रुपये कमाते हैं। मेरे पिताजी को पूछो तो 800-900 रुपये भी कमा लेते हैं, 700 रुपये भी कमा लेते हैं, 500 भी कमाते हैं, कोई गारंटी नहीं होता उनका, ठीक है। तो सभी को पिताजी उतना कमा ही लेते हैं, एटलीस्ट आप ज्वाइन कर ही लोगे, मेरे को जहाँ तक पता है। और अगर मैथ्स नहीं आता है तो सर की जो जीरो लेवल मैथ्स है, क्लास 1 to 10, सोच लो कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक मात्र देते हैं ना, आप जाकर के बहुत 600 के आसपास ही मिल जाता है, ज़्यादा नहीं है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ सर की बैच भी ज्वाइन कीजिए, मेरी भी ज्वाइन कीजिए, और इंग्लिश मैथ्स की जो डर है ना उसे करके ख़त्म कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, हमें अपने दुआओं में याद रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।